ये पहला मौका है कि चारधाम यात्रा को लेकर पुष्कर सिंह धामी को न केवल विपक्ष घेरने में लगा है, बल्कि उसी की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा जनता जनार्दन भी पूर्ण रूप से सरकार के खिलाफ होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा को रद्द किया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश किया था कि सरकार कोविड के नियमों के पालन को लेकर सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करे, लेकिन सरकार वो दस्तावेज आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा चारधाम यात्रा पर उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनका व्यापार पूरी तरह से कोविड काल के दौरान बर्बाद हो चला था। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ विपक्ष ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि कोर्ट में उन्होंने नकारों की टीम तैयार कर रखी है जो अभी तक कोर्ट के हलफनामे का जवाब तक नहीं दे पाए हैं। सरकार बिल्कुल इस मंशा सरकार की लगती नहीं है कि वो चारधाम यात्रा शुरू कराने के प्रति कहीं से भी गंभीर है। अगर सरकार गंभीर होती तो सरकार के द्वारा जो वकील उस केस को लड़ने के लिए नामित किए गए, सरकार के द्वारा जो ADG वहाँ पर हैं, इनका कहीं भी इस प्रकार का प्रयास नहीं दिखता है कि चारधाम यात्रा खुलवाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं समझता हूँ नाकाबिलों की फौज तैयार कर रखी भाजपा ने हर स्तर पर, चाहे वो सरकार में हो और चाहे वो न्यायालय में जनता के पक्ष को उचित रूप में उठाने की बात हो, हर तरफ जनता को दबाने की कोशिशें हो रही हैं सरकार के द्वारा। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरने का काम खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भले चारधाम यात्रा हाईकोर्ट ने बंद की हो, लेकिन किसी भी तरह से उस यात्रा मार्ग पर बाजारों को खोला जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में जो बाजार है उनको खोला जा सकता है ताकि वहां के लोगों की आजीविका पूर्ण रूप से चलती रहे जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं आम लोगों का ये कहना है कि 2000 रुपये का सरकार ने जो मरहम लगाया उससे तो सिलेंडर का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी न केवल विपक्ष के घेरे में है, जनता के घेरे में है, बल्कि अपनी ही सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी घेरे में है। ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इस यात्रा का समाधान करे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव पूरी तरह से सर पर हैं। ऐसे में मुश्किल खड़ी होना कोई नई बात नहीं होगी। प्रदेश में मौसम का हाल बेहाल है। लगातार होती बारिश ने पूरे पहाड़ों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। जिस तरीके से चमोली जिले में पहाड़ पूरी तरह से धधक धधक कर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, उससे लोगों के आम जनजीवन पर मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। लोगों का आना जाना पूर्णतः बंद हो चुका है। लगातार लंबी गाड़ियों की कतारें मुश्किल में डाल रही हैं उन लोगों को जो आसपास के जिलों के लिए सफर कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर जारी है, वो आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसा ही हाल रुद्रप्रयाग का है, जहां पर तेज बारिश की वजह से इतना ज्यादा पानी आया कि बड़े बड़े ट्रक मलबे में दब गए और वो ऐसे बहने लगे मानो तिनके की नाव हो। ये बेहद मुश्किल दौर है इस समय उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अभी आने वाले 48 घंटे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश के इस कहर के बीच अब आपको लेकर चलते हैं हल्द्वानी शहर में एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। 5 मजदूर टापू में फंसे और बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें वापस निकाला गया। मजदूरों को लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, लेकिन SDRF और पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाई और बामिश्कुल उनको बचाया गया।